ये फ्रेंड्स, देसी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रसमलाई। फ्रेंड्स, रसमलाई बनाने के लिए मैंने ये पैकेट के दूध लिए हैं, फुल क्रीम दूध है, 3 पैकेट लिया है। और ये मेवे लिए हैं, पिस्ता और बादाम, थोड़ा सा काजू। फ्रेंड्स, 2 पैकेट दूध मैं गर्म करने के लिए रखूंगी। ये फुल क्रीम दूध है, 1 पैकेट मैंने बचा के रखा हुआ है। इसको गैस पे चढ़ाएंगे और गरम करेंगे। दूध गरम कर लिया था मैंने और इसको 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। देख, थोड़ा ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा नहीं हुआ है, 1-2 मिनट इसको मैंने छोड़ा है। अब मैं इसमें ये लेमन का जूस डालूंगी। मैंने एक छोटा नींबू पूरा कट किया, उसका रस निकाल लिया है। इसको डालने के बाद अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि ये दूध फट गया है। ये आप देख सकते हैं, दूध अच्छी तरीके से फट गया है और ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक छोटे भगोने में, मैंने ये कॉटन का कपड़ा धो करके रख लिया है, इसमें हम इसको छान लेंगे। इसको एक पानी से धो लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छी तरीके से धोएंगे जिससे जो नींबू का, या अगर आप सिरका से या विनेगर से इसको फाड़ रहे हैं तो उसका जो खट्टापन है वो भी निकल जाए। पानी इसका निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने निकाल लिया अच्छी तरीके से पानी निकाल के। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। अब एक पैन में मैं 1 पैकेट दूध और डालूंगी। हम रबड़ी तैयार कर रहे हैं। इस दूध को हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, इसको अच्छे से थोड़ा खोल जाने देंगे। आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही गाढ़ा हो रहा है। इसमें मैं अब करीब 100 ग्राम चीनी ऐड करूंगी, आधी कटोरी तक। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा येलो कलर ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या तो नहीं। ये थोड़ा सा येलो कलर का दिखता है तो उसके लिए मैंने इसको ऐड किया है। और इसी खौलते हुए दूध में मैं थोड़ा सा केसर ऐड करूंगी। अच्छे से चलाते रहेंगे, थोड़ा सा दूध और गाढ़ा कर लेंगे। और इसमें अब मैं इसमें 4 इलायची मैंने कूट लिया था, उसको भी ऐड करेंगे।
और इसके साथ में जो मैंने इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो मैंने बादाम और पिस्ता कट किया था, थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया था, इसको कट करके डाल देंगे। ये मैंने जो छेने का दूध मैंने निकाला था फटे दूध को, इसको 15 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया है। अभी इसको अच्छे से जैसे मथा जाता है उस हिसाब से इसको अच्छे से हाथ से मल मल के बहुत सॉफ्ट बना लेंगे। इसको अच्छे से मलते हुए आपको एकदम सॉफ्ट कर लेना है इसको, फिर हम इसकी रसमलाई जो होती है गोल शेप की वो बनाएंगे। ये देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा लेते हुए इसके गोले बनाऊंगी, ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा, और ऐसे गोल गोल घुमाते हुए आपको थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है बीच में। ऐसे ही मैं बाकी के सब बना लूंगी। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं, अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने पैन चढ़ाया है, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें करीब 200 से 250 ml चीनी ऐड करूंगी। चीनी में मैं 400 ml तक पानी मिलाऊंगी। चाशनी को खोलने देंगे अच्छी तरीके से, इसको हमें बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं रहेगा। उसके बाद हम वो छेने ऐड करेंगे इसमें। आप देख रहे हैं चाशनी खोल रही है, अब मैं इसमें ये मिला दूंगी, अंदर डाल दूंगी। इसको बंद कर देंगे, 10 मिनट तक मैं इसको बंद करूंगी, फिर उसके बाद एक बार चेक करूंगी इसको। करीब 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको 10 मिनट के बाद एक बार ओपन करके चेक किया था। अब 5 मिनट के लिए और चढ़ा दिया था मैंने, अब गैस मैं बंद कर दूंगी, इसको ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स इधर रबड़ी भी ठंडी हो गई है और अब ये भी ठंडा कर लिया है मैंने, इसको इसमें मिला देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसकी रबड़ी इसमें मिक्स कर दी है छेने में, आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से ये हो गया है और इसका रबड़ी का ये दूध भी कितना गाढ़ा हो गया है। मैं आपको एक दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप अपने घर पे भी बनाइए इसको, काफ़ी टेस्टी बनता है ये। थैंक यू सो मच।